तो वहीं दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को ही 3 स्टूडेंट के शव निकाले गए। वहीं 14 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बेसमेंट में कुल कितने छात्र फंसे थे इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो गई थी, उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगा। लाइब्रेरी से निकलने का एक ही गेट है, बेसमेंट से निकलने के लिए भी एक ही सीढ़ी है। और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद, अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों के ट्रैप होने की खबर आई थी, जिस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अम्बेडकर नगर यूपी के, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेलविन है जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है, जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है, वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 152, 290 और 35 बीएनएस के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रेस्पॉन्सिबल थे उन लोग खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं, बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे, जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे, बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी।